भाटी के नामांकन में उमड़ी भीड़ के बाद बीजेपी ने बदली अपनी रणनीति। कांग्रेस भी बना रही है नया प्लान। पश्चिमी राजस्थान की हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर इन दिनों राजस्थानी नई देश भर में सुर्खियां बटोर रही हैं। जिस तरह कुछ दिन पहले इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी की नामांकन रैली में हजारों की तादाद में लोग जन समर्थन में उतर गए, उसके बाद ही बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों की नींद उड़ सी गई हैं तथा पार्टियों ने अपने प्रचार करने की प्लान भी चेंज करने को मजबूर हो गए हैं। बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी को हल्के में ले रही थी, लेकिन अब रविंद्र भाटी की नामांकन रैली के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस नए तरीके से चुनावी मैदान में उतरने की प्लानिंग में जुट गई हैं तथा बीजेपी से प्रत्याशी और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी वापस चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसको लेकर मोदी भी बाड़मेर में चुनावी सभा करेंगे तथा तीनों प्रत्याशी अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं प्रचार। बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी सौटन विधानसभा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में तूफानी दौरे कर रहे हैं, जहाँ उनके लिए लोग उमड़ रहे हैं और जगह जगह जबरदस्त स्वागत भी हो रहा है। बीजेपी विधायकों से लगाकर कार्यकर्ता अलग अलग गांव ढाणियों में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल के कार्यकाल के बारे में बता रहे हैं। दूसरी ओर आरएलपी से कांग्रेस में आए उम्मीदवार बेनीवाल, पूर्व मंत्री हेमाराम और अन्य पार्टी के नेताओं के साथ बाड़मेर विधानसभा के सनावड़ा और उसके आसपास के गाँव में प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी की कमियों को जनता के बीच रख रहे हैं। इन सब के बीच निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने भी अपने अपने क्षेत्रों में भजनराज सरकार में राज्य मंत्री के विश्नोई की गुड़ा मलानी विधानसभा क्षेत्र में सहित गुजरात में भी जन आशीर्वाद सभा के लिए निकले हैं तथा भाटी मंदिरों में देव दर्शन के साथ चुनावी सभाएँ कर रहे हैं, जहाँ भाटी का लोग जबरदस्त तरीके से स्वागत करते नजर आ रहे हैं तथा गुजरात सूरत वडोदरा सहित कई जगह भारी भीड़ दिखाई दे रही है।